बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मौज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल डिज़ाइन हाउस। तो कोरल डिज़ाइन हाउस में आज हम बनाएंगे लोगो, 3D लोगो, वो भी पॉलीगोन टूल का इस्तेमाल करके। सही हो गया, ये पिछली वीडियो में हमने बनाया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में जाकर विंडो लोगो कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं। अभी हम इसको करेंगे डिलीट, कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन से कीबोर्ड के डिलीट करेंगे। ये जो तो लाइन है अंदर की, ये तो लाइन कट करनी, ये वाली और उधर से ये वाली। सही हो गया। तो उसके लिए हम जाएंगे भाई इधर ये वाले टूल में जो पहले पड़े थे, वर्चुअल सेगमेंट टू डिलीट, इसको क्लिक करेंगे और इसको ऐसे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो गया। और ऐसे इसको करेंगे, ये भी डिलीट हो गया। और अब इधर से इसको करेंगे, ये हो गया। और इधर से इसको करेंगे, ये सही हो गया। और अब हमारा जो तीसरा काम है वो क्या है, तीसरा काम है इसके अंदर कलर फिल करना। कलर फिल करें क्या, कैसे करेंगे, ये नीचे जो दो लाइन बनी इधर आएंगे, इधर हमें मिलेगा स्मार्ट फिल टूल, इस पर करेंगे क्लिक और इस पर देंगे कलर। ऐसे ही इस पर करेंगे क्लिक और इस पर करेंगे
दूसरा कलर, और इस पे करेंगे ब्लैक वाला कलर। सही हो गया। तो ये बहुत आसानी के साथ आप जो अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, इधर से जो आ रहा है और ये इसके नीचे से गुजर रहा है, और रेड इधर से नीचे से गुजर रहा है, इधर से ऊपर से। तो वो लाइन जो डिलीट की थी, ये सब उसी हिसाब से लाइन डिलीट करें ताकि ये ऐसे दिखे कि ये नीचे से गुजर रहा है उधर, इधर से ऊपर से, और ऐसे ही ब्लैक है, इधर से ऊपर से गुजर रहा है, इधर से नीचे से इसकी जो है ये पट्टी गुजर रही है। सही हो गया। तो इसको अब हम करेंगे पूरे को सेलेक्ट कंट्रोल प्लस ए से और कंट्रोल प्लस जी से करेंगे ग्रुप। सही हो गया। अब हमारा चौथा काम इसमें क्या है, इसमें करेंगे थोड़ा सा जाना ड्रॉप शेडो टूल का इस्तेमाल, वो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। सही हो गया। ये देख, तो आप अपने हिसाब से कर लें, आपको कैसे चाहिए कैसे नहीं चाहिए उसी हिसाब से आप जो है इसके अंदर ड्रॉप शेडो टूल दे सकते हैं। सही हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि अच्छे से दिखे। तो ये हमारा हो गया बड़ा इजी, बड़ी आसानी से जो है हमने 3D डिज़ाइन जो है क्रिएट किया है। सही हो गया। ये तो रिवर्स में हम ये वाला कलर देंगे ताकि अच्छे से दिखे शेडो भी। ये तो ये आप डिपेंड करता है कि आप जो है किस माइंड से बनाना चाह रहे हैं, किस आइडिया से बनाना चाह रहे हैं। जितना आप ज़्यादा माइंड पे माइंड के हिसाब से आइडियाज़ होंगे आपको, उसी हिसाब से आप जो है लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सही हो गया। तो ये है हमारा 3D लोगो। तो इधर हम थोड़ा कुछ लिख भी देते हैं टेक्स्ट में, थोड़ा सा इसको इसको करते हैं बड़ा। सही हो गया। इधर लिखते हैं शिफ्ट दबाएंगे 3 और शिफ्ट के साथ D, ताकि D जो है बड़ा लिखे। और इधर हम लिखेंगे लोगो। LO बड़ा ही लिखेंगे हम, LOGO जो। सही हो गया। और इसको हम जो है सेलेक्ट करेंगे पूरे को, सेलेक्ट करके इसको लाएंगे इसके अंदर। इसको सेलेक्ट किया, इधर लेके आएंगे, इसको सेलेक्ट किया और डिलीट करेंगे। इसको थोड़ा करेंगे इधर ताकि अच्छे से दिखना चाहिए। इसको करेंगे थोड़ा सा इधर और बीच करेंगे बोल्ड। सही हो गया। बोल्ड करके इसको रखेंगे थोड़ा ऊपर, और ये जो लोग हैं इसको लाएंगे थोड़ा नीचे ताकि पूरा क्लैरिटी के साथ दिखना चाहिए। सही हो गया। तो इसको थोड़ा करेंगे ऊपर 3D, और इसको भी करेंगे थोड़ा सा बोल्ड ताकि अच्छे से आपको दिखना चाहिए। और इसको हम करेंगे वाइट, इसकी हम करेंगे कॉपी, सेलेक्ट करेंगे थोड़ा ऊपर करेंगे, राइट बटन माउस का क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी कॉपी। नीचे वाले का हम क्लिक किया, उसके हम देंगे येलो कलर। ये येलो कलर देंगे या रेड दे लें, जो उनसे आपको अच्छा लगता है वो दे लें। हम इसके नीचे देते हैं वाइट कलर, और ऊपर जो है वो कुछ दूसरा कलर दे देते हैं, ब्लैक दे देते हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे खींचेंगे तो ये थोड़ा सा इधर करेंगे ये 3D, और ऐसे इसको करेंगे थोड़ा सा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये कॉपी किया और उधर ही पेस्ट किया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये कॉपी हो गया। इसको हम करेंगे थोड़ा सा और ऊपर, सेलेक्ट करेंगे थोड़ा सा करेंगे और ऊपर ये, और इसको करेंगे सेलेक्ट, इसको भी नीचे करेंगे वाइट। सही हो गया। और ऊपर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा करेंगे नीचे,